हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम टाउन हॉल 14 की जो अपडेट आने वाले उसके बारे में बात करेंगे। हैमरजैम इवेंट आ गया है। हैमरजैम इवेंट तभी आता है जब टाउन हॉल की अपडेट आने वाली होती है, ताकि हम जो लोअर टाउन हॉल पे हैं वो प्लेयर्स फटाफट अपने अपग्रेड कर सके। बहुत ही कॉस्ट रिडक्शन मिलती है बिल्डिंग्स के लिए। देखिए, जो लास्ट टाउन हॉल 13 अपडेट चैलेंज आया है टाउन हॉल 13 के लिए, तो ये इवेंट बहुत सारे आए हैं, इनको कवर करेंगे हम। और जो इवेंट है उसको कैसे कंप्लीट करेंगे वो देखेंगे। टाउन हॉल 14 का अपडेट आने वाला है, इसी भी आती है जब क्लैश ऑफ क्लांस का अपडेट आने वाला है, बड़ा अपडेट आने वाला है, ताकि आप फास्ट अपग्रेड कर लीजिए। देखिए, नया टाउन हॉल का टीजर लग रहा है मुझे। इसमें भी देखिए ग्रीनिश सैड है। टाउन हॉल 14 जल्दी आने वाला है। इस वीक में मुझे लग रहा है कि स्नीक वीक से स्टार्ट होंगे, और नेक्स्ट वीक में मुझे लग रहा है कि अपडेट आने वाली है। देखिए, अब इस इवेंट को कंप्लीट करते कैसे करेंगे। किंग को पहले डिप्लॉय करेंगे, वहाँ पे रेज स्पेल के साथ सीसी में से जो हीलर से वो ट्रिगर हो जाएगी। उसके बाद में हम बड़े आराम से वार्डन वॉक करेंगे, जो सीसी में से सुपर वल्कारीज निकलती है वहाँ पे हमें रेड स्पेल का यूज़ करना है वार्डन के ऊपर रेड स्पेल का यूज करने के बाद में, जब सुपर वल्कायरी अगर डेड होती है तो वहाँ पर रेड स्पेल ड्रॉप करती है। सिंगल इनफॉर्नो अगर वार्डन पर लॉक होता है, वहाँ पे एक फ्रीज स्पेल का यूज करना है। जैसे ही वार्डन सिंगल इनफॉर्नो की रेंज में आता है, हमको यहाँ पे एक इनविजिबल स्पेल का यूज कर लेना है। बड़ी आसानी से हो जाएगा इस स्ट्रेटजी से, आप ट्राई करके देखिए। अगर आपके पास और कोई स्ट्रेटजी है, काफ़ी यूट्यूबर्स ने डाली है, तो आप देख सकते हैं। वहाँ पे भी वार्डन वॉक में बहुत टाइम लगता है, लेकिन बड़ी आराम से हो जाएगा, आप देखेंगे। देखिए, इसमें आपको दो रॉयल चैम्पियन है, दो किंग है, दो क्वीन है, और एक वार्डन है। सिर्फ एक वार्डन है यहाँ पे, बाकी सब दो दो है। हीरो जी अलग ही बेस दिया है, एक अलग ही चैलेंज दिया है TS-13 का हमें। देखिए, हम एक उसको डाउन करने के बाद में अब एक हेडहंटर्स की हेल्प से हम क्वीन की तरफ बढ़े। क्वीन को काफ़ी डैमेज दे दिया था हेडहंटर्स ने। अब आगे देखिए, RC की रेंज में पहुंच गया वार्डन, लेकिन RC वार्डन तक नहीं पहुंच सकते, तो आराम से उसको वॉक करने दीजिए, उसको किल करने दीजिए। मल्टी टारगेट इन्फर्नो से वार्डन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप रेड स्पेल का यूज अभी नहीं करेंगे, अभी बचा के रखिए। जब ये AD अगर हीलर्स पे लॉक होता है, तो आपको यहाँ पे क्वीन डिप्लॉय करनी है साउथ साइड में, ताकि वो डैमेज ना दे पाए अपने हीलर्स को। वार्डन के पीछे हीलर्स का लाइव रहना बहुत ज़रूरी है, वो ही पूरे बेस को कवर करने वाला है आखिर तक। हम देखेंगे कैसे कवर करता है। ये टाउन हॉल के पास पहुँच गया, लेकिन AD ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्वीन डिप्लॉय करेंगे, रेज स्पेल का यूज़ कर लेंगे वार्डन के पीछे, और यहाँ पे क्वीन का डिप्लॉय। क्वीन स्केलेटन सारे ट्रिगर हो गए बाहर की तरफ, जो साउथ साइड में थे, क्वीन उनको आसानी से मार देगी। और हम RC का भी यूज़ करेंगे, और बाकी जो स्केलेटन स्पेल्स है उनका यूज़ कर लेंगे। वार्डन स्विच करके इधर आएगा RC और क्वीन के ऊपर। क्वीन की एबिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हेल्थ नहीं है, RC की भी वैल्यू कम नहीं मिल पाएगी हम। लेकिन वहाँ पे एक इनविजिबल स्पेल का यूज़ कर लेंगे, तो सिंगल टारगेट इन्फर्नो को निकाल लेगी आराम से। अभी सिर्फ हमारे पास एक रॉयल चैम्पियन, एक वार्डन, एक किंग और एक क्वीन बची है। क्वीन को RC ने डैमेज दे दिया है बहुत अच्छे तरीके से। हमारे क्वीन जो है वो डेड होने वाली है, लेकिन जो टेस्ला फार्म है वो ट्रिगर हो जाएगा राइट साइड में, बीच में मिडिल में राइट साइड में है टेस्ला फार्म, वहाँ से ट्रिगर हो गया। रेड स्पेल का एक और यूज कर लेना वार्डन पे। वार्डन की एबिलिटी यहाँ पे यूज आ गई है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। हम यहाँ पे एक फ्रीज स्पेल का यूज कर सकते थे आराम से, अगर हम थोड़ा पता होता, मेरे को मालूम नहीं था। मैंने पहली बार में ये इवेंट कंप्लीट कर लिया, आप भी कर लेंगे। इसी इवेंट को देखिए आप, और देखिए कैसे करना है, आप अपना तरीका अपनाइए। अगर इस तरीके से नहीं होता आपके तरीके से, तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं इसको। मैंने बहुत अच्छी तरीके से बाकी सभी IDs में मैंने कर लिया है। बहुत ही अच्छा इवेंट है, फनी है, आप कर सकते हैं ट्राई। और देखिए, वार्डन को आराम से वॉक करने दीजिए। हम जो लाइटनिंग स्पेल्स दो हैं वो सिंगल टारगेट इन्फर्नो पे करेंगे और विजर टावर के बीच में करेंगे, तो विजर टावर वहाँ से निकल जाएगा और सिंगल टारगेट इन्फर्नो पे वो काफ़ी डैमेज देगा। तो वार्डन को आराम से वो करने दीजिए। वार्डन अभी जो किंग का स्टैचू है वहाँ पे उसको बेस को उड़ा देगा। अब एनिमी वार्डन के पास पहुँच गया, वार्डन वो करते हुए दो
हम जो लूंस थे उनको एजे को कॉलून यूज करेंगे और वो ब्लैक माइंस को वहाँ ट्रिगर कर देंगे। अब सिर्फ एक एनिमी आरसी बची है और दो सिंगल टारगेट इन्फर्नो जो हमारा कंसर्न है, उनके लिए हमारे पास सफिशियंट तीन फ्रीज स्पेल्स हैं, एक हमारे पास अभी इनविजिबल स्पेल है। तो बड़ी आसानी तरीके से वहाँ पे हम इनविजिबल स्पेल का यूज करेंगे जब वार्डन सिंगल टारगेट इन्फर्नो की रेंज में आ जाएगा, और फ्रीज स्पेल हम बचा के रखेंगे जो लास्ट वाला इन्फर्नो टावर है वहाँ पे, उसके लिए बचा के रखेंगे। देखिए अब कहाँ पे बढ़ता है अपना वार्डन, थोड़ा वेट करेंगे, स्टोरेज की तरफ बढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से करने दीजिए उसको। और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है इस इवेंट को कम्प्लीट करने के लिए, बहुत टाइम है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस इवेंट को, जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया उनके साथ शेयर कीजिए, वो भी शेयर करेंगे, वो भी देखेंगे और हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो मुझे ऐसे ही वीडियोज़ बनाने में आगे सपोर्ट मिलेगा आपका। और हम टाउन हॉल 14 की जो अपडेट की स्नीफिक्स आएंगे वो भी कवर करेंगे, आपको मैं बताता रहूँगा। हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल पर आप फॉलो कर सकते हैं हमें, वहाँ पर मैं फास्ट आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा, ट्विटर पे सबसे जल्दी दूंगा, वहाँ पे फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं साथ के साथ साइमल्टेनियसली ही करता हूँ। देखिए वार्डन वॉक बड़ी आसानी तरीके से एक इनविजिबल स्पेल और एक फ्रीज स्पेल का यूज करना पड़ गया सिंगल टावर पर। अब एक सिंगल टावर लास्ट बचा है उस पर हम यूज करेंगे जो लास्ट के दो फ्रीज स्पेल बच रहे हैं। अब देखिए कहाँ जाता है वार्डन, ये भी देखने वाली बात है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारा 100 का टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है, 100 का टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा हो तो आगे के टारगेट्स आगे, मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स में मैं गिव अवे करूँगा आप सभी के लिए, एक गिव अवे करूँगा गोल्ड पास का, जो कुछ का टर्म्स एंड कंडीशंस देख के मैं एक गिव अवे करने वाला हूँ। देखिए कैसे वार्डन जैसे ही सिंगल टारगेट इन्फर्नो की रेंज में रहता है वहाँ पर फिर स्पेल का यूज कर लेना है। अब नेक्स्ट टारगेट सिंगल इन्फर्नो ही होगा वार्डन का, और इस तरीके से हम आराम से लास्ट फ्रीज स्पेल का भी यूज करके इस बेस को कवर कर लेंगे और ये इवेंट कंप्लीट हो जाएगा बड़ी आसानी तरीके से। एक बार में आप इवेंट कंप्लीट कर सकते हैं इस वीडियो को देख के, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके पास और कौन सी स्ट्रेटजी है, और कौन सी अच्छी स्ट्रेटजी है जिसमें फास्ट तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ट्रूप्स नहीं है, हमारे पास सिर्फ स्पेल्स है और हीरोज है, स्पेल्स है और हीरोज है बस, और 5 हीलर्स 2 लून्स है। तो ये देखिए बड़ी आसानी तरीके से हमने इसको कवर कर लिया। टाउन हॉल 14 के अपडेट आने वाले, थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, बने रहे हमारे साथ, टाटा।